तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक एक गणित कक्षा सात, जो कि आपको कल यानी कि 19 अगस्त 2021 को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे पहले अगर आपने हिंदी आकलन कार्यपत्रक एक, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आकलन कार्यपत्रक एक नहीं कर रखे हो तो उनके आंसर अपलोड है, चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से आंसर देख सकते हो, लिख सकते हो और अपने स्कूल को भेज सकते हो। तो देखते हैं वन बाय वन करके इनके सभी क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में चार ऑप्शन में से एक राइट है, राइट आंसर आप साथ के साथ लिखते चलना। तो देखते हैं आंसर। तो बच्चों आंसर नंबर वन में आपका 190 राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 19 को 9 से किया इतना आ जाएगा, प्लस 19 जोड़ेंगे 190 आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर नंबर वन में ए ऑप्शन राइट है। टू में और सेकेंड में हमारा, सेकेंड में ए ऑप्शन राइट है, माइनस 150, योग निकालेंगे तो योग दिया माइनस 101, तो मान लेंगे ए प्लस बी बराबर माइनस 101। ए दे रखा है कितना, 49, बी पर भी रखेंगे बराबर माइनस 101 के, तो बी बराबर माइनस 49 इधर आएगा, सॉरी प्लस 49 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 101, 49 जोड़ेंगे माइनस 150, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सेकेंड का। थर्ड है हमारा, थर्ड में सी ऑप्शन राइट है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो माइनस 13 हल, तो ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ए बराबर ये माइनस 7 बटे में आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 13 आएगा, निशान माइनस कर लग जाएगा, तो थर्ड में माइनस 13 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फोर है, फोर में हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए गुणे बी गुणे सी ब्रैकेट में, तो इधर ए भी आ जाएगा, सी बाहर हो जाएगा। ठीक है, फाइव, फाइव में हमारा 12 है आंसर, कितना है 12, ठीक है, यानी 12 आंसर है हमारा। और इसमें कैसे आया, कह रहा है माइनस 12 का गुणन प्रतिलोम, तो गुणन प्रतिलोम में हमारा माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहे हैं कि किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करेंगे तो धनात्मक आएगा। ऋणात्मक का मतलब जैसे मान लो माइनस 4 है और बटे फिर माइनस 3 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में ही आएगा, यानी 4/3, तो धनात्मक हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सदैव धनात्मक। 7 है, 7 में कह रहा है कि -17 प्राप्त करने के लिए क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो यही हल नीचे लिखा हुआ है, 7 घटाएंगे प्लस 7 तो -10 आएगा, तो ए ऑप्शन राइट है 7। ठीक है, क्लियर है, हल नीचे लिखा हुआ है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें क्वेश्चन में हमारा डी ऑप्शन राइट है, -200। कैसे राइट है, नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, देखो -25 का 5 से गुणा करेंगे तो -125, फिर प्लस माइनस, -25 या 75, माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे -200 आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पी -5 = 20, तो पी बराबर -5 नीचे आ जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा, इसको हम भाग कर लेंगे तो 5 + 4 = 20 माइनस लग जाएगा, -4 आएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा -4। 10 है, 10 में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो यही कथन सही है, बाकी तीनों गलत हैं, सी वाला ऑप्शन राइट होगा क्योंकि दोनों को भाग करने पर 0 ही हमको मिलेगा। ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर निकलेंगे। तो 10 क्वेश्चन हो गए, आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश असेसमेंट 1 के आंसर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।